स्वागत है आपका DSA बॉलीवुड चैनल पर। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मुंबई बेस्ड डॉन है, ऐसा हार्डकोर गुजराती नहीं है, ऐसा गुजराती एक्सेंट नहीं चाहिए था। कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ कि गुजराती दर्शकों को मेरा ये प्रथम प्रयास पसंद आएगा। तो अभी टीवी और फिल्म में ज़्यादा डिफरेंस तो रहने का सब बराबर हो गया है, तो अभी इस फिल्म में दर्शन हरिवाला जी हैं साथ में और आशा है, काफ़ी काम कर रहे हैं फिल्म में, उन्होंने अच्छा हमें प्रोमो देखा तो बहुत अच्छा लगा। तो फिल्म से क्या एक्सपेक्टेशन 6 को रिलीज़ होगी? जाहिर सी बात है, अपनी कोई भी फिल्म होती है तो आपको एक्सपेक्टेशन तो ये होती है कि भाई बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा करे, दर्शकों को पसंद आए, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से और हाउसफुल पे हाउसफुल चलता जाए। बट वो सब तो खैर हमारे हाथ में नहीं है, दर्शकों के हाथ में। अपनी तरफ से अच्छी कोशिश की है कि दर्शक पूरी तरह से एंटरटेन हो। कलाकार बहुत अच्छे अच्छे दर्शन भाई हैं, दर्शन जरीवाला, सेंटा में मेरे साथ में कमेटी मेम्बर भी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, उनके साथ काम करने की काफ़ी समय से इच्छा थी। बहुत पहले एक फिल्म में छोटा सा काम किया था, हल्ला में एक सीन था हमारा साथ में, फाइनली इसमें हमारा काफ़ी है साथ में काम। सोनिया है, मजी हुई कलाकार है, और जिमित जो है वो देखने में बड़े नॉर्मल लाइफ में बड़े संजीदा लगते हैं लेकिन बहुत ही फनी आदमी है, और आई थिंक वो उनका कैरेक्टर शायद इस फिल्म की हाईलाइट रहेगा। रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि बड़े पर्दे पर दर्शकों के साथ प्रीमियर भी करने वाले हैं फिल्म का, जहाँ तक मैंने सुना है दर्शकों के साथ बैठकर देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। अपना बच्चा तो सबको अच्छा लगता है, वो बताएंगे कि आपका बच्चा जो है होनहार है कि नालायक है। थैंक यू, थैंक यू। रोली स्टैंड बाय, रोज रोज। सर क्या कहना चाहेंगे, चील झड़प किस तरह की फिल्म होने वाली है और क्या शुभकामनाएं? चील झड़प, चील झड़प एक बहुत ही आई आइडिया सर, चील झड़प, चील झड़प एक बहुत ही यूनिक जॉनर है इसका, खासकर के गुजराती फिल्मों का जहाँ तक सवाल है। तो ऐसा थ्रिलर कॉमेडी जहाँ जिसमें तो थ्रिलर भी है और कॉमेडी भी है और सस्पेंस भी है, ये आया नहीं है। तो ये पहली फिल्म है ऐसी मेरे हिसाब से जिसके लिए मैं बहुत ही उत्साह है मेरे मन में, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से फिल्माई गई है। हमारे डायरेक्टर साहब रमेश मेहता जी ने बहुत ही कमाल का काम किया है, और जो मुझे तो अच्छा ये लगा कि गुजराती फिल्म इतनी अब थोड़ी उम्रवान उम्रदायक हो गई है कि उषा उथुप जैसी बहुत ही मजी हुई गायिका, उन्होंने अपना पहला गुजराती गीत इसमें गाया, और सुशांत सिंह जैसा बहुत ही उमदा एक्टर जब गुजराती सीख के गुजराती का एक किरदार करने के लिए राजी होता है तो वो फिल्म में ज़रूर कुछ खास होना चाहिए। इसलिए चील झड़प ऐसी फिल्म है जो प्योर एंटरटेनर है, लेकिन मतलब उसमें कोई एक मिनट ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको ऐसा लगे कि चलो यार बाहर जाके एक सिगरेट भी आते हैं या तो व्हाट्सएप पे मैसेजेस चेक कर लें, जो आजकल की फिल्मों में बहुत बार होता है, मैंने देखा है।
लेकिन ये फिल्म ऐसी है जो हर वक्त पकड़े हुए करती है। लैंग्वेजेस में मैंने बहुत ही बढ़िया फिल्में होते हुए देखी और पंजाबी में तो माशाल्लाह उसका मतलब वर्ल्ड बिजनेस भी है जो वो बहुत ही अच्छा है। तो मुझे लगा था कि गुजराती फिल्म का कब ऐसा दौर आएगा, लेकिन मेरे जीते जी ये बात हुई है। ये मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ कि गुजराती फिल्मों में भी अब लोग पैसा देके इसका वैल्यू पा रहे हैं। तो चील झड़प भी ऐसी एक फिल्म है जो जिसे आप कहते हैं ना बम्बैया भाषा में भी पैसा वसूल, एक मोमेंट ऐसी नहीं जाएगी जिसमें आपको कोई रोमांच ना हो, कोई रहस्य ना हो। चील झड़प सर किस तरह की फिल्म होने वाली है? और हमने देखा स्टारकास्ट तो बेहतरीन है, लेकिन थोड़ा सा कहानी के बारे में अगर हमारी ऑडियंस को बताएं। कहानी बहुत डिफरेंट है, फर्स्ट टाइम गुजराती फिल्म में ऐसा जॉनर की फिल्म आ रही है, दैट्स थ्रिलर कॉमेडी। सो इसमें एक बैंक रॉबरी की बात है पूरी, थोड़ा आगे बहुत सस्पेंस है तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मेट। एक रॉबरी होती है और उसमें कैसे लोग अलग अलग तरह से इन्वॉल्व होते हैं, कैसे एंड में सॉल्व होता है, इट्स वेरी डिफरेंट फॉर्मेट। और गुजराती में मतलब जो ऑडियंस अब नहीं शुरू हुई है, गुजराती पिक्चर चल रहे हैं, सो उनके लिए एक बहुत एक नए अंदाज की है फिल्म। गुजराती सिनेमा जिस तरह का बिजनेस कर रहा है, पहले छेड़ो दिवस, चाल जीवी नहीं है, वो सब जिस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, कितना प्राउड फील होता है सर? बहुत बहुत प्राउड फील, मतलब अभी बहुत चलने लगे। पहले कोई आज से 5 साल पहले कोई गुजराती फिल्म को मतलब कोई याद भी नहीं करता था, आती थी। आज मुझे याद है लास्ट ईयर मेरी फिल्म आई थी पप्पा तुमने नहीं समझाई, जो 28 वीक चली, ऑलमोस्ट 20 CR के ऊपर बिजनेस हुआ। सो मुझे पता है मैं बुकिंग पे जाता था फिल्म के थिएटर पे, तो फर्स्ट टाइम ऐसा देखा, मुझे आईनॉक्स के मैनेजर ने कहा कि ये पहली पिक्चर है जो लोग मतलब सोसाइटी की सोसाइटी फिल्म देखने आती है, मतलब 110 टिकट 120 टिकट ऐसे सेल होती थी। सो इट्स अ गुड साइन फॉर गुजराती फिल्म इंडस्ट्री, ऐसे अगर लोग बढ़ने लगे और बढ़ ही रहे हैं डेफिनेटली, सो विद इन 1-2 साल में इट विल बी द ग्रेट इंडस्ट्री हो जाएगी। सर आपको लगता है कि इसका एक रीज़न एक अच्छा कंटेंट भी हो सकता है, जिस तरह के कंटेंट? वो तो 100% कंटेंट तो लगेगा ही, उसके सिवा कंटेंट तो 100% लगना ही है, उसके सिवा कोई फिल्म चलेगा नहीं। बेसिकली रीजनल में कंटेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हिंदी से भी, हिंदी में तो काफ़ी ग्लैमर है और काफ़ी चीज़ें बजट है, कॉन्टेंट में गुजराती या रीजनल में उतना बजट नहीं है, तो हमको ज़्यादा करके कॉन्टेंट पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। और अगर इस फिल्म की बात करें, किस तरह से प्रमोशनल स्ट्रैटेजी प्लान करने वाले इस फिल्म के लिए, स्पेशली इन मुंबई? या मुंबई हमने इसमें गुजरात रिलीज़ कर रहे हैं, हम लोग बॉम्बे रिलीज़ कर रहे हैं, इनफैक्ट 6 तारीख को साथ में पूरी अफ्रीका में रिलीज़ फिल्म हो रही है, 13 तारीख को USA में, फिर फिजी में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह ये फिल्म रिलीज़ करने का प्लान चल रहा है। सो इवन बॉम्बे Nowadays the biggest market in Gujarat, बॉम्बे में आज रॉक्सी में मेरी फिल्म आई थी, 27 वीक चली थी एटेस्ट है और ब्लैक चल रहा था 200 रुपये, इट्स सरप्राइज है गुजराती फिल्म में ब्लैक चले। तो रॉक्सी के जो ओनर है लाकड़ा लड़ो, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि आफ्टर एक दूजे के लिए रॉक्सी में पहली पिक्चर है जिसकी 200 रुपये ब्लैक हो रही है। सो ये बहुत अच्छी साइन है गुजराती फिल्म इंडस्ट्री के लिए। सुशांत सिंह जी को हमने बहुत सारे शोज में देखा है, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स में देखा है, गुजराती फिल्म में साइन करने का आइडिया किस तरह? जस्ट सुशांत जी तो बहुत हमारे मतलब ये फिल्म का फैदर है, मतलब ये जब मैं कास्टिंग चल रही थी तो एक ये इतना स्ट्रॉन्ग रोल है, एक्चुअली ये 88 में गुजराती प्ले आया था चील झड़प के नाम से, उसमें से ये मुझे फिल्म करने का, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट प्ले था और मुझे जब कास्टिंग हुई तो मुझे ऐसा फेस चाहिए था जो कभी गुजराती ना किया हो, तो मुझे सोच रहा था सडनली सुशांत जी का, बिकॉज इज अ वेरी गुड फ्रेंड, वेरी नाइस ह्यूमन बींग, और हमने सावधान में मैंने उनके साथ काफ़ी एपिसोड्स किए हैं, सो हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है, काफ़ी अच्छी दोस्ती है। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि सर आप फिल्म करोगे? बोलते हाँ, मतलब गुजराती है तो अरे गुजराती तो मेरे को आती नहीं, बोलते सर डोंट वरी मैं आऊँगा और आप कर पाओगे, मेरा कॉन्फिडेंस है, लेकिन आप आओगे तो एक बहुत लोगों को अच्छा लगेगा, बिकॉज यू आर आप बहुत घर घर के फेस हो, डेली रात को आप सालों से लोग आपको देख रहे हैं, तो डेफिनेटली गुजराती ऑडियंस आपको बहुत प्यार करेगा, गुजरात में पहली बार आप करोगे सो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, और उन्होंने हाँ कहा और ये अच्छा रोल। लास्टली सर, फिल्म का म्यूज़िक किस तरह का होने वाला है, क्योंकि अब तक हमने जितने भी गुजराती फिल्में देखी है, फिल्म का म्यूज़िक एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इसमें ये फिल्म में म्यूज़िक दिया है बहुत सीनियर म्यूजिक डायरेक्टर है पीयूष कनोडिया, जिन्हें गांधी माई फादर का बैकग्राउंड किया था, और जो अभी लास्ट ईयर प्ले आया था मुगले आजम, उसका सारा म्यूजिकल ट्रैक पीयूष ने बनाया था। पीयूष बहुत अच्छा मतलब वेरी मतलब मेरी लास्ट फिल्म भी उसी ने म्यूज़िक किया था, और ये फिल्म में सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि म्यूज़िक में अगर देखा जाए तो इसमें उषा उत्तुप जी ने गाना गाया है, तो उषा उत्तुप जी नाम आते ही हर इंसान के फेस पे एक अलग चमक मैंने देखी है। सो उषा जी को कॉल किया तो उन्होंने इमीडिएटली हाँ कह दिया कि यस डेफिनेटली करूँ, फिर मैं कलकत्ता हम लोग रिकॉर्डिंग के लिए गए,
तो उन्होंने कहा कि थैंक यू सो मच मुझे ये गाना गवाने के लिए। तो मतलब क्यों थैंक यू, तो बोलते हैं मेरी ये 50वीं चाल चल रही है सिंगिंग का, तो उसमें मैंने हर लैंग्वेज में गाना गाया एक्सेप्ट गुजराती। सो इस बार ये गुजराती गाना आने के बाद मेरी सारी लैंग्वेज ख़त्म हो गई, और उन्होंने जो गाना गाया है ट्रस्ट मी आप फिल्म देखेगा इट्स अमेजिंग, शी इज़ अमेजिंग। जी बिल्कुल, चिल झड़प को आप बोल सकते हो कि बिल्कुल ही एंटरटेनिंग फिल्म है, थ्रिलर है, कॉमेडी भी है। और अगर मैं अपने कैरेक्टर के बारे में बात करूं तो मेरा कैरेक्टर इसमें रीचा का कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर एक छोटे से शहर से बॉम्बे जैसे मेट्रो शहर में आई है अपने सपने पूरे करने के लिए, बैंक में जॉब करती है, और जैसे हर इंसान एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली जैसे करती है कि अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट, थोड़ी बहुत छोटी मोटी झोल जो करते हैं वो रिचा भी करती है, पर ये छोटा मोटा झोल उसको कितने बड़े प्रॉब्लम में फंसा देता है, वहाँ से कैसे गोपी जायसवाल जैसे भी गोहिल या रसिक रंजन उसकी लाइफ में आते हैं और उसका चाहे गलत हो चाहे सही डिसीजन उसे कहाँ पहुँचाता है, वो तो आपको देखना पड़ेगा चिल झड़प 6 सितंबर को ही। सुशांत जी के बारे में तो मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं जब उनके साथ पहली बार मेरा पहला दिन था फर्स्ट डे और पहला शॉट मेरा पहला सीन ही सुशांत जी के साथ था, और मैं इतनी नर्वस थी उनके सामने सीन परफॉर्म करने के लिए, पर उन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल कर दिया, बहुत ही फ्रेंडली हो गए, हाय हेलो हो गया हमारा, बैठ के बातें कर रहे थे सीन के बारे में। और सेट पे जब वो आए तो जबकि वो नॉन गुजराती है, गुजराती लैंग्वेज उनके लिए नहीं है, पर जब वो आए तो वो टोटली रेडी थे अपने डायलॉग्स को लेकर, सीन से जुड़ी हुई हर छोटी 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 चीज़ उन्हें पता थी, तो वो इतने प्रिपेयर्ड थे जब शूट पे आए। तो मेरे लिए पहला दिन थोड़ा सा पहला शॉट टफ था, उसके बाद मैंने बहुत इन्जॉय किया और बहुत सीखना है, इतने सीनियर एक्टर है, इतने एक्सपीरियंस्ड है, लोग उनको जानते हैं, तो उनके साथ स्क्रीन शेयर करना इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं दे सकती। राजू सर बताइए, केबल इंडस्ट्री और बाकी बिजनेस से फिल्म लाइन में फिल्म शुरू कर दी है, केबल इंडस्ट्री और फिल्म लाइन यूँ तो देखने जाओ तो एक दूसरे से कनेक्टेड ही है, और इससे पहले भी मैंने 5-6 गुजराती फिल्में बनाई है, और रिसेंटली मेरी एक अभी वेब सीरीज भी अंडर शूट है। तो अभी इस फिल्म की कहानी पूरी हिंदी फिल्मों की तरह हमने ट्रेलर देखा, उसकी कहानी चयन कैसे किया? धर्मेश मेहता जो आप लोग सब जानते हो वो बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है और मेरे काफ़ी दिल के करीब है, मेरे अजीज है, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि राजू भाई एक गुजराती का एक अच्छा सा कंटेंट वाला प्रोजेक्ट है तो अपन करेंगे। मैंने ठीक है मैं बॉम्बे आ जाता हूँ, एक्चुअली आई एम फ्रॉम अहमदाबाद। तो धर्मेश जी से मैं बैठा, और सोनिया जो इसमें लीड रोल कर रही है सी इज़ माई गुड फ्रेंड, हम तीनों ने बैठ के एक उसका वन लाइन स्टोरी सुना, तो मुझे स्टोरी काफ़ी पसंद आया, और जो उसके राइटर है वियान भाई ही इज़ अ गुड राइटर, और ये जो नाम है चील झड़प जो 6 सितंबर को रिलीज़ होने जा रही है वो आज से 31 साल पहले स्टेज शो हुआ करते थे, जिसके 180 के करीब उस टाइम पे 31 साल पहले शो हुए थे, और इसको पब्लिक ने काफ़ी इसको एक्सेप्ट किया था, इट इज़ अ गुड प्ले, सो दैट आई डिसाइड कि इस पर अपन फिल्म बना। सुशांत सिंह इस फिल्म से गुजराती सिनेमा में डेब्यू करने वाले क्या कहते हैं? जी हाँ, सुशांत जी इस मूवी से डेब्यू कर रहे हैं, और हमने उनसे मीटिंग किया मैंने और धर्मेश जी ने, और सुशांत जी को बोला कि भाई ये मूवी हम स्टार्ट कर रहे हैं, उन्होंने बोला हिंदी में है, धर्मेश भाई ने बोला कि नहीं गुजराती में, तो बोले यार गुजराती में, धर्मेश बेटा ने बोला वो मैं संभाल लूँगा आप खाली स्क्रिप्ट देख लो, उन्होंने बोला ठीक है अपने इसको स्टार्ट करते, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। इसमें एक और भी प्लस पॉइंट है कि उषा उत्तुप जी ने भी फर्स्ट गुजराती सॉन्ग्स गाया है, जो काफ़ी अच्छा सॉन्ग्स शूट हुआ है, तो मैं सभी को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पिक्चर को, इस मूवीज़ को 6 सितंबर को रिलीज़ हो रही है चील झड़प, तो सभी आप देखें आपके फैमिली के साथ आपके दोस्तों के साथ, और हमें आपका रिव्यू देंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। चील झड़प एक
एक कॉमेडी थ्रिलर है और ये जॉनर फर्स्ट टाइम गुजराती फिल्म में सिनेमा में ये फर्स्ट टाइम आ रहा है ये और ये एक बैंक रॉबरी के ऊपर आधारित है, वहाँ से शुरू होती है और उसमें मेरा जो किरदार है तो एक छोटे से गांव का एक बंदा है और ख्वाब काफ़ी बड़ा है और वो ग्लैमर वर्ल्ड से काफ़ी अट्रैक्ट हुआ है, काफ़ी इम्प्रेसिव तो अपने आसपास एक पूरी एक दुनिया वो खुद बना लेता है जिसको प्रोड्यूस भी करनी है, डायरेक्ट भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें उसको करनी है और किस तरह से वो ये दूर कहीं बॉम्बे में जो बैंक रॉबरी है उसके साथ में ये बंदा जुड़ जाता है या उसके साथ में वो फंस जाता है या और भी और आप कुछ कह लें उसके लिए वो क्यों फंसता है, किस लिए फंसता है और कैसे फंसता है तो उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी जो 6 सितंबर को रिलीज़ होगी। डायलॉग वगैरह सो मुझे ऐसे ही थॉट आया कि फिल्म बनानी थी तो ऐसे ही मैं और जो हमारी सोनिया मेहता बैठे थे तो मैंने कहा मेरे पास एक अच्छा सब्जेक्ट है तो मैंने उनको नरेट किया तो बहुत पसंद आया उनको ये सब्जेक्ट तो हमारे जो प्रोड्यूसर राजू भाई उनके दोस्त है तो उन्होंने फ़ोन किया अहमदाबाद कि एक अच्छा सब्जेक्ट धर्मेश के पास है तो राजू भाई इमीजिएट बॉम्बे आए और हमने तीनों ने बैठ के मैंने पूरा सब्जेक्ट उनको नरेट किया तो उनको बहुत पसंद आया सब्जेक्ट उसके इमीजिएटली ये शूट स्टार्ट करते हैं तो वैसे ही श्री झड़प की जर्नी शुरू हुई फिर कास्टिंग शुरू हुआ तो सोनिया तो थी जो लीड रोल कर रही है फिर ह्यूमर कॉमेडी रोल था बहुत अच्छा रोल जो जिमित मेरे दिमाग में था पहले से तो जिमित को मैंने ये नरेट किया इमीडिएटली जिमित ने हाँ कह दी फिल्म के लिए और बहुत अच्छा परफॉर्म किया जिमित का देखिएगा रोल उसके बाद जो DCP गोहिल करके है इंस्पेक्टर का रोल सो तो फ्रॉम दी फर्स्ट डे मेरे माइंड में था कि दर्शन जी भी ये रोल करेंगे तो दर्शन जी को मैंने फ़ोन किया उनको भी ये उनको तो ये फिल्म पता है ये ड्रामा पता है तो इमीडिएटली उन्होंने हाँ कह दी फिल्म के लिए फिर एक मेन जो नेगेटिव रोल था मैं ऐसा सोच रहा था कि ऐसा कोई एक्टर हो जो कभी इसने गुजराती फिल्म ना की हो ऐसा फेस जो गुजराती इंडस्ट्री में फर्स्ट पहली बार आया एंड ऐसे ही बैठे थे सडनली मुझे सुशांत जी का थॉट आया सुशांत जी बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे हमने सावधान इंडिया मेरे प्रोडक्शन में हमने बहुत किए एपिसोड्स तो मैंने उनको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे फिल्म कर रहा हूँ तो मतलब मैं करूँगा मैंने बोला गुजराती फिल्म है तो बोला अरे गुजराती तो मैं मेरे मतलब मैं बोल पाऊँगा मतलब यस वो आप टेंशन मत लीजिए मैं प्ले के बारे में काफ़ी सुना था कि ये बहुत ही ज़बरदस्त एक थ्रिलर प्ले बना हुआ है और बहुत ही इस प्ले के बारे में चर्चा भी हुई थी और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस प्ले के बारे में या इस प्ले का मैं पार्ट बनूंगा जो एक फिल्म में रूपांतर हुई है तो थैंक यू रमेश जी कि उन्होंने मुझे इस रोल the bell icon on YouTube app and never miss another update.